तो आज सुबह 11 बजे 2019 और 20 का आम बजट पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार 2.0 का आम बजट पेश करी। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक सर्वे पेश किया था। इकोनॉमिक सर्वे में 2019 और 20 में विकास दर 7% रहने का अनुमान लगाया गया। अब यहाँ पर सवाल ये है कि बजट से टैक्स देने वालों के लिए अच्छे दिन आएंगे क्या, या फिर बजट में बड़ी जीत का रिटर्न गिफ्ट देंगे पीएम मोदी? तो देश के सवालों पर हमारी सहयोगी स्वाति खंडेलवाल ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के वी सुब्रमण्यम से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। जो ब्रॉडली आपने पॉइंट्स निकाले और जो कहा, एक तो जीडीपी ग्रोथ 7% होने की उम्मीद है, इन्वेस्टमेंट को बहुत ज्यादा थ्रस्ट की जरूरत है, वहां पे बहुत दिक्कत फिलहाल आ रही है, तो आपके हिसाब से क्या इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हमें इनिशिएट करने होंगे टू बी एबल टू मीट द टारगेट जो आपने बताया है? पहला तो सर्वे में हमने ये बताया है कि हमारी जो सोच है वो सोच थोड़ी बदलनी चाहिए, कि हम न कि रोजगार है या आपका निर्यात है, निवेश है, इन सबको आप अब बांट बांट के जो सोचते हैं उसे ना करें, इन सबको मिला के, क्योंकि एक दूसरे के पूरक हैं, तो इन सबको मिला के एक सिस्टम के रूप में सोचें। और दूसरा, हम सब जो 8% का जो ग्रोथ रेट है उसे हमें उसे सार्थक करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दें। ये जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट हम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट निवेश होगा तो उसके चलते ही आपका जो है आपका निर्यात, आपका रोजगार, सब एक साथ हो जाएगा। तो हम ना कि इनको बांट बांट के ना देखते हुए सबको साथ में और निवेश पे ध्यान दें। हर देश में आप देखें तो जो एमएसएमई जो होते हैं, जो छोटे उद्योग होते हैं, ये छोटे उद्योग आप रोजगार में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। हमारे देश में जो हमने 7 दशकों से जो हमने नीतियों का पालन किया है, उनसे हुआ ये है कि हमारे जो उद्योग हैं वो बढ़ते नहीं हैं, वो बौने रह जाते हैं, उसका उनका उम्र तो बढ़ जाती है, लेकिन जो जितने जितने कर्मचारियों को रोजगार दे पाए वो ज्यादा बढ़ता ही नहीं है। जैसे अमेरिका में देखें या मेक्सिको या ईस्ट एशिया में देखें, तो जब एक 5 साल के कम उम्र का जो कंपनी होता है उसके मुकाबले करीब एक 40 वर्ष का देखें तो अमेरिका में 7 गुना ज्यादा रोजगार पैदा करता है, जबकि हमारे देश में 40 साल का हो गया लेकिन सिर्फ 40%। कहां 7 गुना और कहां 40%। तो मेक्सिको जैसी देश जो है, मेक्सिको वो भी हमारे जैसा देश है लेकिन वहां पे भी 2 गुना हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे तो ये जो है बहुत ही अहम मुद्दा है, क्योंकि जब कंपनी जो एमएसएमई जब बड़ी होती है तो सबसे ज्यादा वो जो उनकी जो ओनर है उसके लिए नफा पैदा करती है, जो मुनाफा पैदा करती है सबसे ज्यादा, और लेकिन मुनाफा पैदा करते हुए देश को भी बड़ी योगदान देती है, क्योंकि उसमें रोजगार और प्रोडक्टिविटी दोनों होता है। तो इसको हमने एक उदाहरण दिया है कि उदाहरण ये है, मान लीजिए आपने हम बच्चों को देखते हैं, बच्चे जब साइकिल चलाना सीखते हैं तो साइकिल चलाना सीखते हुए जब सीखते समय गिर ना जाए बच्चा, इसके लिए हम सहायता पहियों का पहिया देते हैं, 2 पहिया एक्स्ट्रा डाल देते हैं। लेकिन यदि हम बच्चे से कह दें कि आप सहायता पहिया हमेशा लगाए रखें तो वो कभी सीखेगा ही नहीं कि वो सहायता पहियों के बिना चला सके। तो ये सपोर्ट देके फिर सपोर्ट देना है, सपोर्ट तब देना है जब वो एक्चुअली एक बच्चा है, सीख रहा है, लेकिन अब समय से उसको हटाया जाए और उसको सीधे उसको साफ साफ बताया जाए कि ये जो ये सहायता पहिया है, ये आपका जो है मुख्य पहिया नहीं है। तो ये एक सोच में और बहुत बड़ा बदलाव लाना है।